मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर खाओ गली। आज मैं आपको बनाना पैनकेक बनाना सिखाऊंगी। और बनाना, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, विटामिन ए सी के इन टू इट, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड अ कम्प्लीट डाइट वी कैन से। सो विदाउट मेकिंग और विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम फ्रेंड्स, आई विल बी टेलिंग यू कि अगर जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी रेसिपी में बताया है कि चिल्ड्रन डजेंट लाइक ईटिंग बनाना, तो हम उनको किस तरीके से क्रिएटिव वे में वी कैन सर्व दीज बनानास विच शुड बी इन टू द पार्ट ऑफ देयर डाइट, बिकॉज इट इज बीन सेड दैट इफ यू टेक कम्प्लीट बनाना अलॉन्ग विद अ कप ऑफ मिल्क, इट इज अ कम्प्लीट डाइट इन इट्स ओन सेल्फ। सो फ्रेंड्स, आई विल बी जस्ट शोइंग यू कि आप किस तरीके से ये बनाना को इनोवेटिव तरीके से अपने बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को खिला सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ इन द ग्रोइंग स्टेज ऑफ द चिल्ड्रन। सो फ्रेंड्स, further we'll be moving ahead and I'll just quickly tell you what are the ingredients what have been required for making this banana pancake. So we need bananas and we need a cup of wheat flour and almost double cup of, you can say, the maida in this, and thoda sa doodh, milk what has been required, and we need sugar and honey and black pepper and amul butter. So friends, I have added these bananas into my jar and I'll be pouring little bit of milk into it so that वो उसको थोड़ा पतला कर सके, ताकि हम लोग इसको जो हमने फ्लो लिया है, इन दैट वी कैन ऐड दैस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई बी एडिंग लिटिल बिट ऑफ शुगर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। हियर यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ शुगर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आई डोंट लाइक मच ऑफ स्वीट, सो दैट इज़ द रीज़न आई बी एडिंग इट लिटिल लेसर। एंड फॉर एसेंस आई एम गोइंग टू एड लिटिल बिट ऑफ सिरप इन दिस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ग्राइंड इट। फ्रेंड्स, मैंने इस बाउल में अपना मैदा ऐड कर दिया है एंड जो मैंने सिरप अभी बनाया था, दैट आई एम गोइंग टू ऐड इन दिस स्लोली, ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। एंड आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट ऑल्सो इन टू दिस, एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स आई विल बी ऑल्सो एडिंग लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर इन टू दिस। तो फ्रेंड्स, मैंने एक पैन लिया है जिसमें कि मैंने बटर ऐड कर दिया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि मैंने उसे इंग्रेडिएंट में यूज़ किया है। एंड आप चाहे तो इसकी बटर की जगह पे आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ टोटली अप टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, यू कैन यूज़ दैट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्रेड दिस आउट सो दैट जो हमारा पैनकेक है वो यहाँ पे अच्छे से इसमें ग्रीसिंग करके यूज़ हो सके। एंड हेयर गोज माई बैटर, इट इज़ ऑल्सो रेडी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की होनी चाहिए। येस, वेरी नाइस, एग्जैक्टली। सो नाउ फ्रेंड्स, आई विल बी जस्ट पोरिंग दिस हेयर। दैट्स इट। और मैं इसको अभी धीमी आँच में पकने दूंगी फॉर नेक्स्ट 1 or 2 minutes। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। यू कैन सी हाउ नाइसली इट इज नाउ रेडी टू बी सर्व्ड। एंड इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। सो फ्रेंड्स, हियर आवर बनाना पैनकेक्स आर रेडी। आप देख सकते हैं इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, वेरी टेम्पटिंग। एंड आप चाहें तो इसके अंदर गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा जो है हनी डाल सकते हैं, इट इज़ गोइंग टू ऐड अ गुड फ्लेवर टू इट, एज वेल एज इट इज़ गोइंग टू गिव इट अ नाइस टेस्ट एज वेल। इसको मैंने यहाँ पर टर्मरिक डेक चटनी के साथ सर्व किया है, आप चाहे तो सॉस भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। एंड इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, वेरी टेम्पटिंग। आई होप यू विल एन्जॉय दिस। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू, हाउ डिड यू फाइंड दिस रेसिपी। थैंक यू।